इस वक्त हम सीड्स निकाल रहे हैं इसको, इसके बाद हम इसको कोल्ड स्टोर में ले जाते हैं, वहाँ पे सफाई करते हैं, दवाई देते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद हम अगले सीज़न के लिए इसको रेडी रखते हैं। फिर उसके बाद सीड के बाद हमें फिर ज़मीन ठीक करनी है, उसके लिए क्यारियाँ बनानी है, पूरे साल चलता है। तो हार्वेस्टिंग सीज़न इस वक्त काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सारे मुलाजिम यहाँ पे आ रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। तो इसमें साथ साथ कितना अपने जो आपके अफसरान हैं वो भी ये देख रहे हैं कि काम ठीक हो रहा है, बाद में कोल्ड स्टोरों पर जाते हैं, वहाँ ये सीड ठीक करा रहता है। जी, सुबह भी आते हैं और दिन में भी एक दो चक्कर लगाते हैं, शाम को भी जाते हैं, उधर 4 बजे के पहले जाते हैं उधर कोल्ड स्टोर में, माल अच्छा हो रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं, माल कितना ख़राब तो नहीं निकल रहा है और इसमें कोई फंगस तो नहीं लगी है, फिर दवाई के लिए वो बोलते हैं। हमारा शो जो है ये डिपेंड करता है एक फ्लावर पे, और वो फ्लावर बनता है, निकलता है एक जो बल्ब से, जितना हेल्दी बल्ब होगा उतना अच्छा फ्लावर निकलेगा, जितना अच्छा फ्लावर होगा उतना फ्लावर डिस्प्ले अच्छा होगा, उतना बेहतरीन हमारा शो भी होगा। आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारा मतलब जितना भी मैन पावर है वो आज इस पे लगा, बिल्कुल लगा हुआ है। आपने देखा है वहाँ पे हम इस वक्त कर रहे हैं हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सैमिल्टन से वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे हो जा लाते हैं हम चैम्बर्स में, यहाँ पे इनकी फिर हम क्लीनिंग, फिर ग्रेडिंग, फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसी चैम्बर्स में, फिर सीड ट्रीटमेंट ये करते हैं, फंगिसाइड ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा।